नागरिक आपूर्ति निगम की लापरवाही से सरकार की किरकिरी, कमीशन के चक्कर में मारा गया किसान, पूर्व सप्लायरों का नहीं दिया 27 करोड़ रुपए, निगम अध्यक्ष रमेश शर्मा की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन में नागरिक आपूर्ति निगम की भूमिका सबसे ज्यादा खराब है। निगम के कारण सरकार को शर्मसार होना पड़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के किसान खरीदी केंद्रों में 10 से 20 दिन तक अपने गेहूं की तौल और बारदाने के चक्कर में परेशान हो रहे हैं। कई स्थानों पर किसानों का कहना था कि एक सप्ताह से ज्यादा समय तक किराए की ट्रैक्टर ट्रॉली पर गेहूं लेकर खड़े हैं। अब किराए में ही हजारों रुपया ट्रैक्टर मालिक को देना पड़ेगा, हमारा गेहूं तो मुफ्त में ही बिक गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले साल जिन सप्लायरों ने बारदाना सप्लाई किया था उनका कमीशन के चक्कर में भुगतान नहीं किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी लगभग 27 करोड़ रुपए निगम को इन सप्लायरों का देना है। कमीशन की चर्चे मध्य प्रदेश से लेकर कलकत्ता की फर्मों के बीच जोर शोर से होने के कारण बारदाना सप्लायर मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को ही ब्लैक लिस्ट में डालकर बैठ गए हैं, जिसके कारण प्राइवेट सप्लायरों ने नागरिक आपूर्ति निगम के टेंडर नहीं भरे। कमीशन की भारी मांग के कारण ऊंचे दामों पर सप्लायरों ने टेंडर भरे थे, जिसे निगम ने निरस्त कर दिया। मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम का नाम सारे देश में कमीशन निगम के रूप में जाना जाता है। पिछले वर्ष का भुगतान सप्लायरों को नहीं करने और अड़ंगे डालने के कारण कोई भी प्राइवेट सप्लायर बारदाना देने तैयार नहीं है, जिसके कारण सबसे ज्यादा समस्या निर्मित हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन में भी भारी गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। निगम में गड़बड़ी का आलम यह है कि फर्जी ट्रकों पर परिवहन का भुगतान पिछले साल किया गया था, पिछले वर्ष की गई खरीदी का हिसाब किताब नहीं मिल पाया है। होशंगाबाद जिले में पिछले वर्ष भारी गड़बड़ी की शिकायतें सप्रमाण समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी, किंतु निगम बेखबर होकर अपने गोरख धंधे में लगा रहा। पिछले साल भी भारी मात्रा में समय पर गेहूं का परिवहन नहीं होने के कारण सैकड़ों टन गेहूं सड़ गया था। कुछ यही स्थिति इस साल भी बन गई है। निगम मुख्यालय में व्याप्त चर्चाओं के अनुसार जब से निगम में रमेश शर्मा गुट्टू भैया की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में हुई है, उसके बाद से ही निगम में भारी धांधली शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार 1,40,000 गठान बारदाना खरीदी के लिए शुरू से ही कमीशन को लेकर जो बातचीत शुरू हो गई थी, उसे सप्लायरों ने मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम से अपनी दूरी बना ली थी। पिछला भुगतान कुछ सप्लायरों का रुका रहने से कोई भी सप्लायर नागरिक आपूर्ति निगम से डील करने तैयार नहीं हो रहा है। अध्यक्ष के ढीले ढाले रवैये और भरपूर इंटरेस्ट की चर्चा से इस बार गेहूं उपार्जन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार विशेष रूप से शिवराज सिंह चौहान को काफी परेशानी झेलना पड़ रही है। बारदाने के संबंध में जब इमेज टीवी ने सिविल सप्लाई कारपोरेशन के RS कॉल के मोबाइल नंबर 9425004368 और SN हैदर के मोबाइल नंबर 9425660313 पर जानकारी लेना चाहिए तो वे गोलमटोल जवाब देकर टालते रहे। वहीं जब शरद सक्सेना PRO से बात की गई तो वे भी अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कर गए। उन्होंने बात को टालते हुए GM भंडारी से बात कराई। भंडारी से जब बारदाने के संबंध में जानना चाहा तो उनका कहना था, मैं अभी नया आया हूँ, देख कर बताऊंगा। निगम की इस कार्य प्रणाली से सहजी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों से जुड़े मुद्दे को कारपोरेशन कैसे मजाक में लेकर काम कर रहा है। निगम की पूरी कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में है, क्योंकि किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अपने उत्तरदायित्व का बोध नहीं है, रहे भी कैसे। निगम अध्यक्ष ने कमीशन खोरी का फंडा जो सभी को बता दिया है, अब सभी राम नाम जपना पराया माल अपना की धुन पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV News, भोपाल।